गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी पी मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 3rd of August 2022। आइए देखते हैं कल क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और आज और आने वाले दिन में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। डॉलर इंडेक्स कल हमने देखा है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन करने के लिए आपका ये 105.05 से ये 106.35 के ऊपर गया था एंड आज फिर थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल्स फॉर्म होने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखने वाला बात है कि ये जो नेगेटिव कैंडल है इसका जोन आपका यहीं पे अगर नेगेटिव बनाता है, यहीं पे बोले तो आप अगर यहाँ पे देखोगे एक सेंटर बैंड है, बोलिंजर बैंड का सेंटर बैंड, अगर ये सेंटर बैंड के आसपास ही नेगेटिव बना के फिर दोबारा इसका लो तोड़ देता है, देन वी मे एक्सपेक्ट फर्दर डाउन टुवर्ड्स 103.50 से 103.75 के तरफ। तो अभी हमें देखना है कि ये जो सेंटर बैंड के आसपास के एरिया पे इज इट टेकिंग रेजिस्टेंस और नॉट। डॉलर रुपी में कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है एंड इट ट्रेडेड लो ऑफ 78.43 एंड आज वहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख रहे हैं। अभी ये कंसोलिडेशन जो है, कंसोलिडेशन एंड थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आपका, ये जो है ये आपका 78.80 से 79.00 इस एरिया पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए। अगर लेके फिर दोबारा ये नीचे की तरफ आता है, दैट इज गोइंग टू बी ए ग्रेट मींस डायरेक्टिव मूवमेंट। अगर ये ऊपर जाता है तो वी नीड टू वेट फॉर ये जो आपका सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेता है या नहीं। यानी अभी जो प्राइस मूवमेंट है, हमें दो चीज देखना है। पहला चीज है ये जो पहले कंसोलिडेशन या सपोर्ट जोन था, दैट इज 78.80 से 79.00, इस पार्टिकुलर जोन पे ये रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ डाउन मूव करता है या नहीं, फर्स्ट। सेकंड है आपका, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लेता है इन सच ए सिनेरियो, क्या ये बोलिंजर बैंड के सेंटर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस लेता है एंड उसके बाद नीचे आता है या नहीं, ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। जीबीपी डॉलर में कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है एंड ये आपका 1st of August का जो जितना भी पॉजिटिव मूव था उसको पूरा का पूरा रिकवर कर लिया या रिट्रेस कर लिया एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.2279 एंड 1.2157। व्हाट इट मींस, हमें यहाँ पे देखना है कि अगर RSI टर्म्स में देखेंगे ये इट ट्राई टू टेक रेजिस्टेंस एट 60। तो अभी ये जो आपका जोन है दैट इज 1.2325 ऑन द हायर साइड एंड 1.2250 ऑन द लोअर साइड, ये जोन को, रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर जा रहा है या नहीं। अगर ये ऊपर जा रहा है तो बहुत ही अच्छा होगा एंड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा दैट इज 1.2450 के। हमें यहाँ पे नजर रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे डेली बेसिस में क्लोज नहीं देना है। जीबीपी आईएनआर में देखेंगे, जीबीपी आईएनआर टर्म्स में और भी ज्यादा सेल ऑफ दिखा गया बिकॉज जीबीपी डॉलर सॉफ्ट हुआ है एज वेल एज डॉलर रुपी भी सॉफ्ट हुआ है एंड बिकॉज ऑफ व्हिच इट ट्रेडेड इन बिटवीन आपका 97.08 ऑन द हायर साइड एंड 95.58 ऑन द लोअर साइड। अभी ये आप देखोगे ये आपका जो फॉल हुआ है, फॉल होने के बाद ये कहाँ पे ठहरा है, ये ठहरा है आपका सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड एंड ये एरिया पे, यानी ये जो सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड है यहाँ पे ये सपोर्ट लेके फर्दर दोबारा ऊपर जा रहा है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा।
ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, इट्स ए वेरी गुड पॉजिटिव यानी स्ट्रेंथ वाला मूव हो सकता है। अगर ये नीचे सेंटरमेंट के नीचे क्लोज दे देता है, सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी विल प्रिवेल इन दिस इंस्ट्रूमेंट। यूरो डॉलर में हम देखेंगे यहाँ पर भी एक सेल ऑफ हो गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.0294 एंड 1.0163। दैट बीइंग द केस हमें अभी देखना है कि ये जो लो है दैट इज 1.0100 1.0110, इसके नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए। अगर ये इसके नीचे क्लोज दे देता है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए लोअर हाई लोअर लो एंड इन सच ए सिनेरियो सम नेगेटिविटी में प्रिवेल हियर। उसके बाद यूरो आयनर देखते हैं। यूरो आयनर पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिखा गया बिकॉज यूरो डॉलर सॉफ्ट हुआ है एंड डॉलर रुपी तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हुआ है, बिकॉज ऑफ व्हिच इट ट्रेडेड इन बिटवीन 81.42 ऑन द हायर साइड एंड 79.89 ऑन द लोअर साइड। एंड आपका अभी देखना है कि जो प्रीवियस लो है दैट इज 79.50, इसके 5055, इसके यहाँ पे इस एरिया पे सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर जाता है या नीचे ब्रेक करता है। बिकॉज आप देखोगे यहाँ पे जो कंसोलिडेशन था आपका, ये कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोज दे नहीं पाया, दिस वर्क इज ए गुड रेजिस्टेंस लेवल, इसीलिए ये अप मूव हम देख नहीं पाया। एंड अभी हमें देखना है कि ये जो जो इमीडिएट स्विंग लो है इसके लो को तोड़ता है या नहीं। अगर लो को नहीं तोड़ता है यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन अगेन मे बी एक्सपेक्टेड इन बिटवीन 82 ऑन द 82 ऑन द हायर साइड एंड 79.50 से 80 ऑन 80.00 ऑन द लोअर साइड। अगर नीचे तोड़ दे देता है वी नीड टू मींस बी रेडी फॉर फर्दर सेल ऑफ। डॉलर येन में कल जैसे कि हम मॉर्निंग एनालिसिस में जब थे तब ये 131 के नीचे था एंड हमें हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा ना हो कि ड्यूरिंग द डे ये दोबारा बाउंस हो जाए। अगर बाउंस लेता है तो हमें देखना है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ये लेवल पे रेजिस्टेंस लेता है या नहीं, दैट इज आपका 134.2550 के तरफ रेजिस्टेंस लेता है या नहीं। अगर रेजिस्टेंस लेके ये दोबारा नीचे की तरफ आता है इस टाइप का, देन इट इज ए वेलकम मूव। तो अभी हम देखेंगे कि एक नेगेटिविटी नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है लेकिन अभी और भी ज्यादा मींस अभी जस्ट स्टार्ट ऑफ द डे है, एशियन मार्केट चल रहा है, फिर यूरोपियन मार्केट जाएगा, देन अमेरिकन मार्केट, काफी कुछ होना बाकी है। इट इज द स्टार्ट ऑफ द डे, तो देखना है कि और भी ड्यूरिंग द डे कैसे प्राइस कंस्ट्रक्शन होता है। जेपीवाई आईएनआर देखेंगे, कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है, जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था दैट इज 5.5975 से 0.6000, वहां पे ये रेजिस्टेंस लिया है नीचे आया है। अभी हमें इंतजार करना है कि कल का जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन करना आने वाले दिनों में, अगर करता है देन एंड ओनली देन वी मे एक्सपेक्ट 0.6100 से 0.6125। डॉलर कैंडी में आपका कल एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है, दैट बीइंग द केस सम सॉर्ट ऑफ साइडवेज कंसोलिडेशन बिटवीन 1.2750 से 1.2775 ऑन द लोअर साइड एंड 1.29 से 1.2950, ये आपका एक प्लेइंग ग्राउंड हो गया है। इसके अंदर में ही थोड़ा टाइम पास करना चाहिए जब तक आइदर साइड ब्रेक ना हो आउट ना हो। ऑसी डॉलर में हम देखेंगे यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है कल एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 0.7032 एंड 0.6912। तो आप देखोगे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था दैट इज 0.7050, इस एरिया पे ये रेस्पेक्ट किया है। अभी क्या देखना है यहाँ पर भी देखोगे आप लोकेशन कहाँ पे ये सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है, ये सेंटर बैंड। अगर ये यहाँ पे सेंटर बैंड में सपोर्ट लेने के बाद दोबारा वापस ऊपर की तरफ जाता है देन इट्स ए वेरी हेल्दी मूव। देन इन सच ए केस ये 0.7050 ब्रेक करता है आने वाले दिनों में, देन वी मे शॉर्टली एक्सपेक्ट 0.7250 से 0.7300 के तरफ। डॉलर सीएनएच में
आपका ये मदर कैंडल जो था 14 जुलाई को, उसके अंदर में ही कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक ये कन्विंसिंगली आइदर साइड ब्रेक आउट नहीं करता है, तब तक ये इसी के रेंज के अंदर में, 14 जुलाई का जो मदर कैंडल है उसके रेंज के अंदर में ही प्राइस मूव करने का एक्सपेक्टेशन है। लेट वी नीड टू वेट फॉर ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड। ब्रेंट ऑयल हम देखेंगे कल एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है, यानी इट्स अ पॉज कैंडल। What it means, below the low we may expect 96.50 से 97.00, above the high again दोबारा we may expect 107 के आसपास। US 10-year treasury में कल एक अच्छा खासा bounce back देखा गया है first time, and this type of corrections are most welcome जब तक ये आपका lower high lower low को disturb ना करे, तब तक any sort of corrections are most welcome। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो इमीडिएट स्विंग हाई था, डेट इज 2.84 2.85, उसके हाई के ऊपर जाना नहीं चाहिए। उसके ऊपर अगर चला जाएगा तो ये जो लोअर है लोअर लो फॉर्मेशन से इसको डिस्टॉर्ट कर देगा, और उसके बाद इस एरिया पे समवेयर करंट लेवल एंड 2.85 इसके आसपास अगर रेजिस्टेंस लेके दोबारा लो को तोड़ता है, इट इज द मोस्ट वेलकम मूव, क्योंकि ये हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है एंड फर्दर ये लो को क्रॉस कर रहा है। अगर होता है तो बहुत ही बढ़िया मूव होगा। तो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।